आई नो लोग कहेंगे कि जी बैठे हुए हैं तो बायस्ड हैं ये, लेकिन ये एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पे ऑडियंस को भी कहना चाहूँगी कि मेरी इनसे भी सब दोस्तियाँ हैं, इनकी मुझसे दोस्ती हैं, लेकिन हम एक दूसरे को भी नहीं बख्शेंगे। और बाढ़ में जाए जो कहते हैं मैं बायस्ड हूँ, आई डोंट केयर। अगर आप किडनैप हो रहे हैं, आपका फियर होना चाहिए आपके चेहरों में, वो फियर मुझे नहीं नजर आता, स्पेशली जैन के चेहरे पे बिल्कुल नहीं था। आपके सामने वीडियो चल रही है और वो अपने भाई को तड़पता हुआ देख रहे हैं, आप तो कितने होश उड़ जाने चाहिए, आपकी शक्ल पे वो खौफ तारी हो जाना चाहिए जब हर तरफ गन्स हैं और आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो भी वहीं पे मौजूद है। मुझे लग रहा है कि अगर कहानी यही है तो थोड़ी कम है, इसको थोड़ा बेहतर होना चाहिए है, इसको थोड़ा सा और क्रिस्प होना चाहिए है। ये तो बेसिकली फैसल कुरैशी का ड्रामा है और ओवरऑल मैं तो जैसे रूबीना कहती है ना कि कोई आता है तो रुक जाती है, तो ही मेक्स मी सिट एंड वॉच बिकॉज इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। बाकी भी सब बहुत अच्छे हैं, स्टोरी भी ठीक मूव कर रही है, उसकी वो अनफोल्ड भी हुआ है। जैसे हमने कुछ सवाल उठाए थे कि वो ब्लड था फिर नहीं था, फिर वो चीज़ें भी खुली हैं। ओवरऑल ट्रीटमेंट अच्छी थी, एपिसोड अच्छा था, बट दिस इज़ अ फैसल कुरैशी एपिसोड फॉर श्योर। आई डोंट नो आगे क्या इनके कैरेक्टर कहाँ जाते हैं, बट इस एपिसोड में तो आई थिंक फॉर मी ही वाज द स्टार। फैसल के बिहाफ पे मैं बात करूँगा जी, रूबीना, आई थिंक द पेस इज देयर, द मूवमेंट इज़ देयर, क्योंकि कहानी बढ़ रही है आगे, एक बच्चा मर गया है आगे, दो लोग हैं, अब एक रिवेंज आ गया है भाई का, सो वी हैव टू सी कि वो कितना जस्टिफाइड होगा। आई एम जस्ट ओपन माइंडेड एट दिस पॉइंट, आई वॉन्ट टू वॉच मोर एंड देन डिसाइड कि ये प्ले मुझे कहाँ लेके जाता है। ठीक, अब क्योंकि फैसल इस पर बात नहीं कर सकते, वो सामने मौजूद हैं, तो मैं उनके बिहाफ, मतलब उनके बिहाफ पे तो नहीं, मैं उस पर राय दूंगा। मुझे तो लग रहा था कि ड्रामे की जो पेस है, जो स्टोरी है, बहुत अच्छी जा रही है। हाँ। और उसमें ऐसे मौके पे ना हमें सीट स्विच कर लेनी चाहिए। हाँ, है ना। हाँ। और बहुत इंगेजिंग है जो मुझे, मतलब इसकी अगर मैं स्टोरी की बात करूँ, मुझे तेरे भी ज़्यादा इंगेजिंग इसकी स्टोरी लग रही है, बिकॉज एक अब आगे क्या होने वाला है, ये कैसे ट्रीट करेगा, अभी इसने जाके जो इनका कैरेक्टर है वो आगे जाफर जो है वो क्या रिएक्शन देगा जब पहली दफ़ा अपने भाई कातलों को देखेगा, तो उसके चेहरे, मतलब इस तरह की चीज़ें आपके जहन में आती हैं। सर फैसल कमाल, और जो मुझे अफसोस हुआ वो देख के, वो जो सपोर्टिंग कास्ट तो नहीं मैं कहूँगा, लेट कास्ट रही थी, वो मुझे वीक लगी, स्पेशली जैन और जो किन्जा थे। अगर आप किडनैप हो रहे हैं, आपका फियर होना चाहिए आपके चेहरों में, वो फियर मुझे नहीं नजर आता, स्पेशली जैन के चेहरे पे बिल्कुल नहीं था। आपके सामने वीडियो चल रही है और वो अपने भाई को तड़पता हुआ देख रहे हैं, आप तो कितने होश उड़ जाने चाहिए, आपकी शक्ल पे वो खौफ तारी हो जाना चाहिए जब हर तरफ गन्स हैं और आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो भी वहीं पर मौजूद है, तो वो खौफ थोड़ा बहुत किन्जा में था, जैन में बिल्कुल नहीं था। तो वहाँ मुझे लगा था कि अब ये डायरेक्टर का फॉल्ट है, किसका फॉल्ट है, ये एक्टिंग का फॉल्ट है, आई डोंट नो, बट सर फैसल कमाल। और वो सीन जब वो जब चल रहा होता है और ये देख रहे होते हैं टेलीविजन के ऊपर, और फिर जब वो, और बड़ी देर तक दिखाते हैं वो तड़प रहा है, और जो कर्व इनके चेहरे पे था, और जब ये देखते हैं, और फिर जब ये किन्जा के बाल पकड़ते हैं, इनका बाल पकड़ना सही था, और वहाँ से आगे रिएक्शन, और एक मोटा सा एक आंसू गिरा था। उफ, देखें ना, टाइमिंग भी देखें, टाइमिंग कैसे कर लेते हैं, आओ बताता हूँ। तो जी राइटिंग पे चलेंगे, जो कि शुगुप्ता भट्टी और शाही डोगर दोनों ने लिखा है। तो अतीका, मुझे ये इस एपिसोड में लगा कि कहानी बहुत अच्छी मूव की है और ओवरऑल कैरेक्टर्स भी और ज्यादा डेवलप हुए हैं, एंड आई एंजॉयड इट, आई वुड गिव द राइटर 8। मुझे अभी तक कहानी ने एज सच ग्रिप नहीं किया, मुझे लग रहा है कि अगर कहानी यही है तो थोड़ी कम है, इसको थोड़ा बेहतर होना चाहिए है, इसको थोड़ा सा और क्रिस्प होना चाहिए है, सो आई विल गिव द राइटर अ 6। 6, 6 नंबर दें। और मैं भी इस स्टोरी की जो बात करूंगा, स्टोरी में मुझे कहीं झोल नजर नहीं आया, वो सब डायलॉग सारी बातें, मतलब यहाँ तक के वो जब फोन आता कहते स्पीकर पे करो, स्पीकर पे करो, ठीक है, राइटिंग मतलब कि माँ सुनना चाह रही है उसके, जब वो जब उठाते हैं वो फ़ोन कि बेटा फ़ोन करता है, तो वहाँ पर राइटिंग की मुझे सही नजर आई, डायरेक्शन का थोड़ा सा मसला था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं राइटिंग को 8 नंबर ही दूंगा, मुझे तो शुगुप्ता भट्टी और शाहिद डोगर का इस एपिसोड में काम बहुत अच्छा लगा। अब डायरेक्टर मी जी, आई डू, आई ऑलवेज गो फर्स्ट। अच्छा, मोहसिन ने बहुत अच्छा काम किया इस एपिसोड में, मुझे मज़ा आया, जहाँ वायलेंस था वायलेंस अच्छा था, जहाँ पे ऑफ कोर्स यस एज वी वर मेंशनिंग द लीड एक्टर्स वर लिटिल सॉर्ट ऑफ यू नो
थोड़े और बेहतर कर सकते थे, लेकिन मोहसिन का जो ओवरऑल ट्रीटमेंट, फ्रेम, लाइटिंग, ओवरऑल जो एक मूड था एपिसोड का, मुझे बड़ा अच्छा लगा. आई विल गिव हिम एन 8. आई डोंट सी द डायरेक्टर बहुत कमिंग आउट रियली स्ट्रांगली इन दिस प्ले, क्योंकि जैसे पिछले सीन्स थे जिनमें लड़का जैन घर से निकलता है और इन्होंने ऑर्डर कर दिया है अपने बंदों को कि उठा लो उनको जहाँ कहीं भी हो, और एक गाड़ी खड़ी है वो हल्की सी चलती है, वो ज़रा सा ज़्यादा अच्छी तरह से इन डेप्थ होना चाहिए था. लड़की घर से निकली वो दोनों फिर एक जगह पहुंच गए, तो बहुत ज़्यादा मैजिकल तरीके से चीज़ें हो रही थी. बीच में जो स्क्रीन प्ले था वो मिसिंग था एज़ पर द डायरेक्टर्स एक्सपर्टीज. देर वॉज दिस सीन जिसमें नताशा और बहन जो है, नताशा द बहन एंड लड़की, वही पूरी रात जागी हूँ मैं और मुझे नींद नहीं आ रही और उसमें उसका पता नहीं क्या हाल होगा और हमें आना नहीं चाहिए था. सो द गर्ल इज़ लुकिंग एज फ्रेश एज वन शी वेंट इन टू दैट सीन, और वो कह रही है कि तुम रोना तो बंद करो, वो तो रो भी नहीं रही. डेथ सीक्वेंस वॉज ऑल्सो ओनली फैसल ने संभाला, जो लेके गए हैं कंधे में और वो जो वो खूबसूरत सीन जो उसके पहली शक्ल देखने से, वहाँ पे भी मैंने डायरेक्टर को मिस किया कि डायरेक्टर ने सारा कुछ सिर्फ एक्टर पे छोड़ दिया हुआ था और खुद कुछ भी नहीं किया था उसको एनहांस करने के लिए. सो आई विल गिव हिम 4. व्हाट 4? तो आपने 4 नंबर दिए. अच्छा, मुझे इसमें जो 3-4 सीन थे बहुत ज़बरदस्त लगे थे, स्पेशली जो मैयत वाला पूरा सीक्वेंस था, जब बारिश हो रही है और वहाँ पे बात हो रही है, फिर फ़ोन कर रहे हैं उसको और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हम संभालेंगे उसको, ज़्यादा मत मारना भी, मतलब. और फिर स्पेशली जब वो सीन देख रहे होते हैं टेलीविजन पे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सीन था कि भाई अपने भाई को तड़पता हुआ देख रहा है तो उसके ऊपर क्या गुजर रही है. सीसीटीवी वाला वो इनके चेहरे पे था मसला था उन दो. एक तो सीन जो मुझे लगता था डायरेक्ट, जब वो अपने चारपाई पे पड़ा हुआ होता है जैन, वो एक वो कैद में है, उसके एक हाथ की दूरी पे मोबाइल फ़ोन क्यों पड़ा हुआ है, एटलीस्ट थोड़ा दूर रख दें. वो हिलता है वहाँ से और कहीं रुड़क के जाता है और देखता है एक फ़ोन मिलता है, इतनी सी एफर्ट डाल लेता है, भूल के चला जाता है जो गार्ड होता है, तो गार्ड बिल्कुल साथ भूल के चला गया. वो कोई बात करते करते निकले थे ना वो नहीं क्या देखते हो तुम लोग. वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब वो सीन मैंने देखा है, वो गार्ड बात करते करते निकल गया था, वो भूल गया था वहाँ पे, भूल गया था तो थोड़ा सा तो वो मतलब दूर जाके भूल जाए, मैं यहाँ भूल जाता हूँ, ड्रामा बनाएगा बड़ा होके. मार्क्स कितने दे रहे हैं आप? मार्क्स मैं इनको 8 दूंगा. मुझे इनके जो कुछ सीन से ट्रीटमेंट बहुत अच्छी, डायरेक्टर ने मेहनत किया है, वो वाला काम नहीं किया जो हम कहते हैं कि बस ठक ठक करके यहाँ पे कैमरा प्लेस के सामने ये किया, वो नहीं था, वेरिएशन थी. तो इस एपिसोड पे हम, क्योंकि हुक में पहले हम किंजा हाशमी को लीड एक्ट्रेस में एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वाली एपिसोड पे हम साइमा को डिस्कस करेंगे. फिल्म स्टार साइमा, वो भी इस ड्रामे का पार्ट है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही रुबीना आप बताइए. आई थिंक शी इज़ अ फेली गुड एक्टर, वो अपना मेटल प्रूव कर चुकी हैं टाइम एंड अगेन. इसमें या तो उनको जगह नहीं मिल रही या वो थोड़ी सी कम मेहनत कर रही हैं, सो शी डिड नॉट रियली यू नो हिट मी एज अ ग्रेट एक्टर इन द मैयत वाला सीन एंड इन द रेस्ट ऑफ द प्लेस. सो आई गिव हर 5. मुझे लगता है कि उनको यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है इसमें, शुरू से ही मैं देख रही हूँ, इतना बड़ा नाम है साइमा, एक बहुत बड़ी हमारी स्टार है, और होता ये कि फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं जब इतना बड़ा नाम हो एक ड्रामे में, उनको टाइटल में भी लगाया हुआ है, तो देन यू एक्सपेक्टिंग मोर व्हेन समबडी इज़ पार्ट ऑफ द टाइटल ऑफ द ड्रामा ना. लेकिन यहाँ पर उनको एज सच कोई अभी रेंज मिल नहीं रहा, शायद आगे जाके मिले. तो सो फार आई वुड से 4. आपने 5, आपने 4. खैर मुझे उनका जो डॉक्टर के पास, डॉक्टर वहाँ से जाता है, उसके बाद जो मरियम अंसारी के साथ सीन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर जब वो परे, जब इनके फ़ोन पे बात वो पीछे से आके सुनती हैं और फिर जाके हिना दिलपजीर को बताती हैं, आई लाइक हर. तो मैं उनको, मैं कहूँगा 6. मेल एक्टर कैटेगरी की तरफ चलते हैं से, और अगर आपने ड्रामा देखा है तो हम कोशिश करें ना करें, आप बाइस्ड हो ना हो, फैसल के अलावा कोई इसमें नहीं हो सकता, बेशक मेरी जगह आके कोई भी इंसान होस्ट कर रहा हो और इन पैनलिस्ट की जगह कोई भी पैनलिस्ट बैठा हो. दूसरा मुकर्रम, हमने ये बात की है कि जब अनडिनाइबल हो जाता है, आप एक एपिसोड देख रहे हैं और आप डिनाई कर ही नहीं सकते कि एक एक्टर ने उस एपिसोड को संभाला है, तो फिर नॉट टू रेट दैट एक्टर्स परफॉर्मेंस, वो फिर एक जुल्म हो जाता है. आई नो लोग कहेंगे कि जी बैठे हुए हैं तो बायस्ड हैं ये, लेकिन ये एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं. मैं यहाँ पे ऑडियंस को भी कहना चाहूँगी कि मेरी इनसे भी सब दोस्तियाँ हैं, इनकी मुझसे दोस्तियाँ, लेकिन हम एक दूसरे को भी नहीं बख्शेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा ड्रामा बेहतर हो, हमारे काम बेहतर हो, लोग हमारी क्रेडिबिलिटी भी समझें.
तो हम फेवरेटिज्म की तरफ जा ही नहीं रहे बिल्कुल भी. आप फैसल को कितने मार्क्स देंगे फॉर दिस एपिसोड? फैसल, आई टेल यू, मैंने इनको बोला, ऑफ स्क्रीन बोला, और मैं सबको कहना चाहूँगी ये आप ज़रूर प्ले देखिएगा. इधर आई डोंट नो आपने ये पिक किया नहीं किया, लेकिन फैसल ने अपना ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस दी, लेकिन अपने आवाज़ का इस्तेमाल, उन्होंने अपना पूरा एक लहजा, टोन, डेप्थ चेंज किया आवाज़ की, जिससे कैरेक्टर चेंज हो चुका है. ऑफ कोर्स वार्डरोब पे तो आपका बड़ा तवज्जो है ना थ्रू आउट. फॉर दिस एपिसोड एंड द एक्सप्रेशंस एंड द मूड एंड द मोमेंट्स इज गिवन, आई गिव हिम अ 10. I do, and it's got nothing to do with my time to leave. Time to leave. Elon Musk को बुलाएं, हमारा rocket किधर है? आप देखें ये episode और बताएं मैं गलत दे रही हूँ क्या? कहाँ है वो rocket? First time किसी को 10 मिला है. And rightfully so. Rightfully. और बाहर में जाएं जो कहते हैं मैं biased हूँ. I don't care. मेरी opinion. Promo की line. बाहर में जाएं. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. रवीना, अब आप क्या कहेंगी, कोई प्रोमो की लाइन इधर से? मुझे लग रहा है कि जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने डायरेक्ट किया है, वो सब फैसल को डाल के फारिग हो गए हैं. हाँ, उन्होंने सारा बोझ भाई पे डाल दिया है और कहा है कि भाई जो भी तुम करोगे वो ठीक है. सो ही इज़ डिलीवरिंग. सिर्फ एक सीन था जिसमें मुझे थोड़ा सा लगा कि ये नहीं, ये कर लेते. अब ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये मैं कोई गलती पॉइंट आउट नहीं करी, बिकॉज ये दो एक्टर्स की आपस में डिस्कशन है अबाउट अ सर्टन सीन. आपने देखा सीसीटीवी फुटेज, ठीक है, फुटेज बिल्कुल सही थी, टॉप एंगल था, अंधेरा था, एक्सीलेंट. और अपने भाई को तड़पता हुआ देखा है, गिरता हुआ देखा है, लड़ाई देखी है, सारा कुछ ही देख लिया है ना. उसके बाद आपने देखनी थी भाई की मैयत, और वहाँ का इमोशन तो तय ही था कि क्या होगा. तो यहाँ का इमोशन मेरे हिसाब से एंगर होना चाहिए था. यू हैड मिस्टी आईज, मेरे हिसाब से चीजें टूट जानी चाहिए थी. आपको मैं बताऊं, दो दफा इसने सीसीटीवी फुटेज देखी. हाँ, एक दफा बैठ के लैपटॉप पे देखी. हाँ, है घर में, ठीक है, घर में जब ये अकेला था. हाँ, ठीक है. और ये जान था इसकी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, 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 मतलब बच्चा. और था, हाँ. दूसरी दफा इसने दिखाई है. आप कौन सी दफा की बात कर रही हैं? जो दिखाई है, जो खुद देखी है. इम्पैक्ट तो पहला ही था ना, जो दिखाई है उसमें. हाँ, तो इम्पैक्ट नहीं था, वो तो दिखा रहा. वो एंगर बाद में आया था. हाँ, जो उसको फोन करता है. हाँ, तो वो ऑब्वियसली आप अपने आप कितने भी मजबूत आदमी हो, जब आप इस तरह से मुझे ये लगा था, मैं गलत हो सकता हूँ, कि जब आप अपने इस तरह बेटे को या बच्चे को आप इस तरह से देखेंगे, तो उस वक्त आपको ये दिमाग में नहीं आएगा कि मारा किसने. उस वक्त तो आप उसकी तकलीफ देख रहे हैं. हाँ. और वो ऑब्वियसली अगर आप उस चीज़ को फील करें, तो इट्स नॉट अबाउट 10 मिनट 5 मिनट फुटेज. बिल्कुल, इट्स अबाउट आवर्स फुटेज, रीलिविंग दैट मोमेंट, ठीक है ना. हाँ. तो वो हमने उसको चंद मिनटों में दिखाया, लेकिन वो थी तो एक्चुअली 4-5 घंटे की मूवमेंट. हाँ, थी. बिल्कुल. तो वो पता नहीं कब से बैठा हुआ देख रहा है. हाँ, हाँ. हमने तो वहां से शुरू किया ना. हाँ. तो रोने वाली जगह आनी थी, ये जगह एंगर की थी, ये जगह फ्रस्ट्रेशन की थी. आई थिंक आई विल गिव हिम 8 अगेन. ओके, 8 आ गए भाई. पंजाबी में कहते हैं कटे वाले घरों लस्सी मिल गई है. और खैर, मैं अगर यही कहूँगा कि ड्रामा अगर किसी वजह देखने लायक है, तो वो फैसल आपकी वजह से. ड्रामा भी बहुत मजे का है यार, ऐसी बात तो नहीं. और जो आवाज की टोन है और जिस तरह से ये बात नहीं है. क्या क्या है, थोड़ी सी ये नहीं है, ये नहीं है, मैं डेफिनेटली ट्रेन होकर निकलूंगा यहाँ से. बट कमाल, कितने साल? 30 साल ट्रेनिंग, बहुत लंबा अरसा चाहिए अभी. एनीवे, कमाल की परफॉर्मेंस थी, कमाल के सीन थे, वो सीन थे जो याद रहेंगे. जब ये इनके भाई की मैयत आती है, जब फिर वो चेहरा देखते हैं, जब कब्रिस्तान में जाते हैं, वो पूरा सीन वहाँ पे आपके एक्सप्रेशन, और उसके बाद जब मेरा फेवरेट वही था, जब आप उस सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, पीछे सारे लोग देखते हैं. तो आई थिंक आई गो फॉर 9. थैंक यू. 8, 9, 10. चलें जी, चलें जी, हमारी रेटिंग कंप्लीट हो चुकी है. अब आप जितना भी हमें 22 कहें, जैसे कि अजीगा ने कहा कि भाड़ में चाहे जो मुझे 22 कहते हैं, वो उनको कोई परवाह नहीं है.